अजाब गजाब घर जमाई। बताओ हमारी ड्रेस कहाँ है? नानी जी ड्रेस तो अलमारी में ही होनी चाहिए, आपने ठीक से देखी ना? अरे हमने अलमारी का कोना कोना छान मारा, क्या बात करते हो तुम, ड्रेस है ही नहीं वहाँ। बता दो किसने चोरी की है वरना। सुंदरी हमें क्या पता भैया, अब तो सोफे पर भी नहीं है। सोफे पर? हमारा मतलब है यही सोफे पर भूल गई होंगी ना आप ड्रेस। सुंदरी ठीक कह रही है, तुम कहीं रख के भूल गई होगी। हाँ उसे ही कह रही है। पन्ना जी हम कुछ चीजें भूलते नहीं है, याद है ना आपको? अरे हमने खुद अपने हाथों से अपनी पार्टी की ड्रेस अलमारी में रखी है। हो जाता नानी जी, इंसान से कई बार भूल चूक हो जाती है, हो सकता है आप रख के अपने हाथों से कहीं भूल गई हो। अच्छा हमको बेवकूफ समझा है? हाँ सच सच बता दो वरना। सुंदरी सुंदरी ये कैसे कपड़े दिए, कितना टाइट है। इसे किसी चौराहे पे लगा दो, कुछ कमा लेगा। सबकी चौराहे पे पानी फेर दिया, झूले बिसरे गीत पीके ने। मन तो करता है इसे मंगल ग्रह पे भेज दे, भूल जाए वापस आना ही भूल जाएगा। हाँ बाबूजी। क्या बाबूजी बाबूजी, है भुलक्कड़ है, बेवकूफ थोड़ी ना। ए, इतनी अकल तो होनी चाहिए, मर्दों के कपड़े कौन से हैं, औरतों के कपड़े कौन से, पहन के चले आए। अब बताओ कल जन्मदिन है जगदम्बे का, और जगदम्बे जगदम्बे वो कपड़ा पहन के रहेगी, अब कोई उसको रोक नहीं सकता, समझे? कर सकता है, मतलब चिंटू जी आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। ये क्या करेंगे, सब इनका किया कराया तो है। नाम है मेरा चिंटू चौटाला, भागा फिरे जिसका पड़ जाए मुझसे पाला। क्यों चिंटू चौटाला, लग गया ना दिमाग पे ताला। नाना जी आपने नानी जी को आखिरी बार प्रेम पत्र कब लिखा था? प्रेम पत्र लव लेटर। अरे प्रेम पत्र ना पहली बार लिखा ना आखिरी बार लिखा, बंदूक की नोक पे उठा के लाई थी हमको यहाँ पे, ऐसा करके लेके आई है। ना प्रेम का पता ना पत्र का, पत्र क्या लिखते है ये। तो अब लिखो, एक काम करो आप सब लोग ना एक ग्रीटिंग कार्ड लो और उसमें दिल खोल के अपनी अपनी भावनाएं नानी जी के लिए लिख डालो जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ। आई बात समझ में? फटाफट हिले से लग लो। पर इससे होगा क्या? होगा, इसी से होगा, और अगर इससे नहीं हुआ ना तो समझ लो इस घर की इज्जत का जनाजा उठेगा कल। मेरी पहले उठ जाएगी, मुझे वैसा लग रहा है। इंटू बेटा मैंने तो हरिद्वार की टिकट कटा ली है, ये पार्टी के बाद सीधा मैं हरिद्वार तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी पता। और नहीं तो क्या चिंटू जी, हमने भी अपना बैग पैक कर लिया, पार्टी के बाद सीधे हम जाएंगे ससुराल, और इस बार हम आपके एक भी नहीं सुनेंगे। हाँ क्योंकि पार्टी के बाद जो तमाशा होने वाला है ना घर में, उसको देखने के लिए हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। हाँ बाबू जी हम कहाँ जाएंगे, कुंज बिहारी हम कैसे निकले इस मुसीबत से, अभी थोड़ी देर में मैया ऊपर से नीचे आएंगी उस ड्रेस में और चलने पर पानी में डूब मरेंगे हम। बहुत थोड़ी सी शांति रखो, लोग बाग आ रखे हैं। नानी जी की जय हो। जय हो भाई, दुखी क्यों लग रहे हो? ऐसे ही नानी जी, ये नानी जी कुछ कार्ड हैं, ये देने आया था आपको, सारे घर वालों ने ना अपने हाथों से कार्ड लिख के दिए हैं, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी हैं, आपका मन हो तो पढ़ लेना। अरे कैसे नहीं पढ़ेंगे, प्यार से लिखे हैं। राधे राधे। राधे राधे। कार्ड, बर्थडे ग्रीटिंग, शत शत प्रणाम नानी जी, तब तक जियो जब तक चांद सूरज रहे, आस्था विश्वास और स्नेह की जीती जागती मूर्त हो आप, आपको जैसा देखा है बस वैसे ही देखना चाहते हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बेटा चंद। मैया होश संभालते ही जिस माँ को सामने देखा, ऐसा लगा जैसे साक्षात देवी माँ का रूप सामने खड़ा हो, एक ऐसा रूप जिसके आगे किसी का भी सर आदर और सम्मान से अपने आप झुक जाए। देवी माँ के इस रूप को सादर प्रणाम, जन्मदिन मुबारक मैया। द
जी और नानी जी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। ईश्वर करे कि आपके आशीर्वाद का साया हम सब पर हमेशा बना रहे। कौन कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते, हमने देखे हैं। आप ही तो हो हमारी भगवान, जिसकी ममता की छाव में ये जीवन कितना सुंदर और सुरक्षित है। जगदम्बे, तुम हो तो ये परिवार है, तुम नहीं तो सब बेकार है। बस एक सच बताना था तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम्हारी माथे की बिंदी से, हाथों की चूड़ियों से, तुम्हारे सफेद बालों से, सादगी से, सबसे बहुत प्यार करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो, जन्मदिन मुबारक। किसी ने भी हमारी ब्यूटी का जिक्र नहीं किया, हम ब्यूटी नहीं है। अजब गजब